नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। पलामू जिला के लेसलीगंज प्रखंड अंतर्गत बंधु शुक्ला के घर हुआ कुर्की जब्ती एवं पुलिस ने घर पर चलाया बुलडोजर। पलामू बालू का अवैध उठाव से खतरे में अमानत नदी का अस्तित्व। पलामू के पाकी प्रखंड मुख्यालय से अजमेर शरीफ जियारत के लिए जायरीनों का जत्था रवाना। समाचार विस्तार से। पलामू जिले के लेसलीगंज प्रखंड अंतर्गत कमल केरिया गांव में आज बंधु शुक्ला के घर पर पलामू पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती किया गया। पलामू एसपी इंद्रजीत मत्था के अनुसार लेसलीगंज प्रशासन के साथ मिलकर उनके घर की कुर्की जब्ती की गई। बताते चले कि बंधु शुक्ला पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में लेसलीगंज प्रखंड स्थित बसेरा गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे स्थान पर दो ठेकेदारों को गोली मारकर घायल कर दिया था। इतना ही नहीं, बसेरा गांव में एक समय सीमेंट दुकान में भी गोली चलाया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुआ था। और इसी प्रकार से अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर उन लोगों को धमकाना, लोगों को लूटना तथा लोगों के बीच डर पैदा करना उसके दैनिक काम बन गए थे। बंधु शुक्ला का नाम सुनते ही पूरा प्रखंड दहशत में हो जाता था। हम आपको बता दें कि बंधु शुक्ला अभी भी पुलिस के हाथों फरार है तथा इसकी खोज और तेज कर दी गई है। कुर्की जब्ती करने के पश्चात पलामू जिले के कुख्यात अपराधी बंधु शुक्ला के घर पर पलामू पुलिस ने चलाया बुलडोजर। पुलिस ने अपराधी बंधु शुक्ला के घर में छप्पर पूरी तरह पीट दिया, घर में दरवाजे उखाड़ दिए गए। पलामू एसपी इंद्रजीत मत्था ने बताया कि बंधु शुक्ला का गिरोह लेसलीगंज व शाहपुर में गोली मारकर घायल कर दिया था। एसपी ने कहा कि पलामू में अपराधी का नहीं कानून का राज चलेगा। खनन विभाग की मिली भगत कहे या अधिकारियों की, दिन दहाड़े अमानत नदी से बालू का अवैध उठाव बड़े पैमाने पर की जा रही है। पाकी व तरहसी प्रखंड क्षेत्र के अमानत नदी सलागिम चांदो पेट्रोल पंप के निकट अमानत पुल के समीप झरहा घाटे नदी के बालू का उठाव किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पुल के निकट बालू का उठाव जारी रहा तो तरहसी व पाकी से जोड़ने वाला सलागिम अमानत पुल ध्वस्त हो जाएगा। इस पर प्रशासन को तत्काल रोक लगाने की जरूरत है, वरना ग्रामीण बाध्य होकर आंदोलन करने पर विवश होंगे। बता दें कि पुल से करीब 400 मीटर दूरी पर बालू का उठाव किया जा सकता है, लेकिन सलागिम अमानत पुल के निकट ही बालू माफिया बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं। हैरान करने की बात यह है कि दिन दहाड़े बालू माफिया ट्रैक्टर से ओवरलोड बालू का उठाव कर उच्च दामों में बेच रहे हैं। तरहसी झरहा घाटे में बालू का अवैध उठाव कर ट्रैक्टर से लेसलीगंज प्रखंड के विभिन्न गांवों में उच्च दामों में बिक्री की जा रही है। सलागिम अमानत पुल के अलावे सरैया झरहा चाको नदी सोनपुरा अमानत नदी से बालू का अवैध उठाव बड़े पैमाने पर जारी है। बालू की अवैध उठाव रोकने के लिए ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर बालू की अवैध उठाव रोकने की मांग भी किया गया है, लेकिन बालू माफिया दिन दहाड़े बालू की अवैध उठाव कर रहे हैं। पिछले दिनों सलागिम के ग्रामीणों ने बालू की उठाव रोकने के लिए आंदोलन भी किया था। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद बालू के उठाव को रोक दिया गया, लेकिन पुनः बालू का अवैध उठाव फलने फूलने लगा है। तरसी वीडियो पवन आशीष लकड़ा ने बताया कि बालू की अवैध उठाव पर रोक लगाया जाएगा। पलामू जिले के पाकी प्रखंड मुख्यालय से जायरीनों का जत्था मंगलवार को अजमेर शरीफ रवाना हुआ। जायरीन अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में भाग लेंगे। पाकी विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने जायरीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदलवली के दरबार में आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। जिसने भी वहां के जरिए से जायज मुरादें मांगी है उनकी मुरादें पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि जायरीन अजमेर शरीफ जाकर ख्वाजा पिया के दरबार में पाकी विधानसभा क्षेत्र के अमन व तरक्की के लिए दुआ जरूर करें। साथ ही उन्होंने कहा कि ख्वाजा पिया का दरबार भारत की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। वहां मुस्लिम तो मुस्लिम हिंदू भाई भी अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और झोली भर कर लाते हैं। हमें अपनी इस तहजीब और एकता की परंपरा को हर हाल में बनाए रखना है। जायरीन पाकी से मेदिनीनगर, बनारस, कचौचा शरीफ, देवा शरीफ, लखनऊ, बरेली शरीफ, कलियर शरीफ, दिल्ली तथा जयपुर होते हुए अजमेर शरीफ पहुंचेंगे, जबकि वापसी में वह जयपुर आगरा इलाहाबाद होते हुए पाकी पहुंचेंगे। 15 दिनों के अंतराल में वे देश के कई दरगाह में अपनी हाजिरी लगाएंगे। मौके पर मुर्तजा अंसारी,
पांकी प्रखंड के उप प्रमुख जितेंद्र पांडे, पांकी थाना प्रभारी ललित कुमार, मांडन पंचायत मुखिया प्रतिनिधि रफीक अंसारी, सकल दीपा पंचायत मुखिया हफीजुल अंसारी, पाकी पश्चिमी मुखिया निहाल खान, मारूफ मियां, इसराफिल मियां, खालिद खान, महबूब आलम, बिंदु यादव, सूरी मुखिया लोकनाथ यादव, जुरू मुखिया हसन मियां सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद।